हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन और दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पुराना वीडियो जहां मैंने आपको एक टूल इंट्रोड्यूस किया था एंड जिसमें मैंने आपको कहा था कि कैनवस को हमने कैसे चेक करना है एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स मैं थ्योरी में ज़्यादा यू नो नहीं जाऊंगा बिकॉज वी हैव टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड कंसाइज। बात यह है, पिछली बार जो मैंने आपको डेमो गाड़ी थी दैट वॉज अ मारुति ए स्टार जिसमें एक कैन हाई था, कैन हाई एंड कैन लो, कैन बस थी। नाउ आज हमारे पास एज अ टेस्ट व्हीकल हमारे पास वी हैव अ फोर्ड इको स्पोर्ट और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि माय फ्रेंड एक इस फोर्ड इको स्पोर्ट में आपके कितने कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। तो अब मैंने क्या करा है कि व्हाट हैव आई डन, मैंने मेरा लॉन्च थोड़ा आगे आ जाओ, ये मैंने आपका DLC लगा दिया, आई मीन दिस इज द ब्रेकआउट बॉक्स जैसे पिछली बार भी लगाया था। ये हमारी वोल्टेज है, ये मैंने इसमें अपना स्कैनर लगा दिया है। तो अब हम इसको स्कैन करते हैं कि हमारे स्कैनर के मुताबिक ओके कैंसिल, ओके नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल, ओके ओके नाउ ये चाबी ऑन है, दिस इज बाय बाय द फैन ऑन। Anyway, so let us go into the diagnosis. और ये आपके लिए समझना माई फ्रेंड बहुत ज़रूरी है बिकॉज एज अभी ये सिर्फ आपको एक इको स्पोर्ट मिल रही है लेकिन आपको ये मल्टीपल बसेस को समझना, जब तक आप समझेंगे नहीं आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे ओके। एंड इसमें आपको जैसे हमने स्कैनर को ऑन किया, हमने कहा ओके, और हमने कहा कि साहब ये देखो, अब इसने ये कहा कि ये हमारा ISO 15765 हाई स्पीड कैन है, ओके ग्रेट। हमने कहा ओके, हमने कहा साहब रीड फॉल्ट कोड, वी कैन गो इनटू फोर्ड आल्सो, फोर्ड में देख लेते हैं पहले, नो फॉल्ट कोड ओके, हमें वी वांट टू रीड इट इनटू जेनेरिक में रीड करना चाहते हैं ओके, नो फॉल्ट कोड। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, अब इस स्कैनर को हम थोड़ी देर के लिए इसका बस्ता बंद कर देते हैं, लेट्स कम डाउन टू द बेसिक्स। एज पिछली बार मैंने डिस्कस करा था कि वंस वी नीड, अब इसने बोला है कि साहब हमारे इसमें कैन हाई और कैन लो है, फैंटास्टिक। अब साहब हमने इसको पिन नंबर 4 में लिया एंड ये रहा मेरा कैन हाई है पिन नंबर 6 में। अब ये देखो, नाउ लुक एट दी वोल्टेजेस, ठीक है, इट इज़ लाइक 2.9 वोल्ट्स के आसपास है। अब इसको हम जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ो, लेट्स गो इनटू दी ऑटो रेंजिंग फंक्शन। अब आप ये देखिए, दिस इज़ योर हाई स्पीड कैन। मैंने वोल्टेज एक वोल्ट की इस बार रखी है, उसका सिंपल रीज़न है कि आई विल टेल यू। अब इसको मैं एक बार को होल्ड कर लेता हूँ, देखो नाउ दिस इज़ योर हाई स्पीड कैन ओके। और मैंने इसको अब इस बस की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट है कि एक नॉर्मल मल्टीमीटर इन ऑल प्रोबेबिलिटी सिर्फ वोल्टेजेस पकड़ पाए तो पकड़ पाए पर कैन सिग्नल नहीं पकड़ पाएगा ओके। नाउ कम द रियल पार्ट, अब मेरे को जो वैसे मैंने आपको कहा था कि कैन जो हाई का सिग्नल है आप इसको देख लें, लेट अस से वी गो इनटू एनी लेट से ये रहा ओके okay, ये रहा बस का सिग्नल ओके okay, ये रहा ओके okay, नाउ अब हमें इसका कैन लो जो कि इसका मिरर इमेज है वो हम देखना चाहते हैं। तो व्हाट वी डू इज हमने उठा के इसको पिन नंबर 14 में डाल दिया ओके okay? हियर अब आप ये वोल्टेज देखिए क्या है, ये क्या रीड कर रहा है माय फ्रेंड्स, ये जो ECM आपका रीड कर रहा है वो डिफरेंशियल वोल्टेज रीड कर रहा है, इसलिए मैंने स्केल इसका एक वोल्ट का लिया हुआ है। नाउ लेट मी टेक इट फर्दर, मैंने आपको दिखाया था वो 2.9 था, दिस इज अबाउट 2.2 राइट। तो अगर मैं इसको आई गो इनटू द वोल्टेज स्केल एंड हियर वी आर, अगर मैं एक वोल्ट का लेता हूँ तो ये देखो स्ट्रेट अवे हम लोग बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज है लेकिन डिफरेंशियल वोल्टेज ही वो रीड कर रहा है ओके okay? तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब ये तो रही साहब ये कैन हाई और कैन लो, नाउ ये फोर्ड है
अब फोर्ड में मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। नाउ इस पे ध्यान दीजिए, हम वी गो इनटू पिन नंबर 3, ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक है, एंड हियर यू आर, आपके पिन नंबर 3 में यहाँ दिखाओ, ये पिन नंबर 3 है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पिन नंबर 11 है, ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक है और ये फोर्ड वालों ने वो कोई उनको ऑब्लिगेशन नहीं है हमें डिस्क्लोज करने की कि वो जो ये वाली कैनवस है जो उन्होंने चुनी है उसके साथ उनके कौन कौन से मॉड्यूल्स जुड़े हुए हैं। ये देखिए, हियर इज दिस स्कैन, ये देखो, लुक एट दिस, आप ध्यान से देखो, ओके, एंड यू कैन सी कि दिस इज अ डिफरेंट बस ऑल टुगेदर। इसमें भी वही है, इसमें भी उसने डिफरेंशियल वोल्टेज ही रीड करनी है, पर आप मैसेजेस का देखो, लुक एट द मैसेज स्पीड एंड आप मैसेज का सिग्नल देखो। इफ यू रिमेंबर, अगर आप इसको दोबारा देखेंगे एंड वीडियो को आप रिवाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड कि इसका मैसेज और जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है पिन नंबर 11। हियर यू आर, नाउ हमारी जो डिफरेंशियल वोल्टेज है नियरली 0.5 वोल्ट्स। सो अगर मैं इसको आई टेक इट इनटू द सेम थिंग, ये अभी आप ये देखो, ये आपकी डिफरेंशियल वोल्टेज है, ओके, ये आपका जो उसने फोर्ड ने मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कैन लिया है, और ये देखो उसने पिन नंबर 3 और 11। अब आपके सामने एक ये चीज़ आ गई कि आप जब गाड़ी को डायग्नोज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप पिन नंबर 6 और 14 ही नहीं आपने करना, कैन हाई और कैन लो। इस गाड़ी में आपको ये भी देखना है कि जो इनका मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कैन है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल कनेक्टेड है जो कि आपका पिन नंबर 3 और पिन नंबर 11 है। एंड द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्तों, इसमें लिन बस भी है, ओके, और मतलब लिन बस है हमारी, और लिन बस जो होती है बेसिकली वो सिंगल वायर कैन है और उसे हम इट्स नॉट अ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कैन नहीं है। अब उसका आप देखो, अगर मैं इसको, और उसके लिए ये टूल हमारे लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा, तो मैं इस टूल को अभी के लिए लेट मी पुट इट ऑफ। अब आप ध्यान दो, ये मैंने इसको हटा दिया, ये रहा मेरा मल्टीमीटर, एंड ये मैं गया जी, मैंने ये पिन नंबर 4 में ग्राउंड लिया, ओके, एंड ये रहा जी मेरा पिन नंबर 15। कैन यू सी, ये है आपकी लिन बस। तो बेसिकली अब आप ये देखो कि ये आपके लिए कैन्स को और जो कम्युनिकेशन लाइन्स का समझना कितना ज़रूरी है, जो आपकी इसी एक गाड़ी में फोर्ड इको स्पोर्ट में हमने आपको 3 कैन बसेस आइडेंटिफाई कर दी। हमने आपको हाई स्पीड लो स्पीड जो प्रोटोकॉल है OBD प्रोटोकॉल के मुताबिक वो आइडेंटिफाई कर दी, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर दी, और अब आपको मैंने के लाइन भी आइडेंटिफाई करा के दिखा दिया कि जो आपकी के लाइन में एक पिन के लाइन का है, अगर के लाइन इसमें होती तो पिन नंबर 15 के साथ उसका ऑपोजिट पिन 7 है तो वो के लाइन उसमें भी होता, लेकिन इसमें ये लिन बस है और लिन बस जो है वो हर बार लिन बस का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, ओके, बट अभी ये बस एक्टिव नहीं है, बट व्हाट वी कैन ट्राई टू डू इज, अगर मैं अब इसमें ये देखना है हमारे को एक्चुअली, ये देखो ये आपका वोल्टेज चेंज होती है, अगर मैं इसको मोटर को डाउन कर रहा हूँ, लेट सी कुछ हो रहा है नहीं, तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इनकी लिन बस है वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, इज इट कनेक्टेड विद इमोबिलाइजर, क्या ये AC के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए वायरिंग डायग्राम जो होते हैं वो बेसिकली जो शोर मचाते हैं ये लोग कि वायरिंग डायग्राम हम दे देंगे ये ASPL वाले और ये जितने भी एम्प्रो वाले,
ये आपको वायरिंग डायग्राम देके करेंगे क्या, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी बस के साथ कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके मैच हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वो ये सरसरी तौर की एक वीडियो है। एंड जाहिर सी बात है, जब एक्सटेंडेड ट्रेनिंग में हम जाएंगे और ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करेंगे तो हम ऑसिलोस्कोप के साथ वी कैन डायग्नोज ईच एंड एवरी बस। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हियर यू आर, कि आपका एक स्कैनर कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा। एंड टू ऑल माय फ्रेंड्स जो मेरे से ये पूछते रहते हैं कि अमित भाई एक परफेक्ट स्कैनर बता दो, तो यार उनके लिए जवाब एक ही है दोस्त, कि परफेक्शन के नाम पे तो हमारे पास ऊपर वाला ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये मेरा पेन कहाँ चला गया भाई। एनीवे, वी विल कीप द वीडियो टिल हियर एंड आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और थोड़ा बहुत सीखने को पता लगा होगा। सो जो लोग कहते हैं कि मैं लॉन्च खरीद रहा हूँ, मेरे को वायरिंग डायग्राम मिल रहे हैं, ये सेम चीज़ें ज़रा आप अपनी स्कॉर्पियोज में भी करिए, XUV 500 में भी करिए, मारुतीज में भी करिए, आई डोंट नो मे बी ब्रिजा वगैरह में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कौन से कैन के साथ जुड़ा हुआ है, आपका AC किस कौन से बस के साथ जुड़ा हुआ है, आपके पावर विंडोज वगैरह किसके साथ जुड़े हुए हैं। सो यू नीड टू टेक अ वेरी क्लोजर लुक। सो माय फ्रेंड्स टिल नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। अभी इसके साथ मैं आपको इको स्पोर्ट में इंजेक्टर्स वगैरह जो इसके डीजल के इंजेक्टर्स हैं, आपका जो क्या बोलते हैं मीटरिंग वॉल्स हैं, DRVs हैं, उनको उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी ड्यूटी साइकिल, इससे आपको सारा चेक करके दिखाऊंगा। दैट इज अ सेपरेट वीडियो। सो टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।